सुप्रभात बच्चों, मैं प्रज्ञा पैठनकर। तो आइए जानें संस्कृत वर्ण परिचय। बच्चों, आप मुझे बताइए, हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं? सही बातें बोलकर या लिखकर, बोलने में या लिखने में हम क्या करते हैं? अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह जो शब्द होते हैं वर्णों से बनते हैं। तो आइए जानें कक्षा पंचमी प्रथम पाठ। तो यह जो वीडियो है कक्षा पांचवी तथा छठी कक्षा के लिए उपयुक्त है। संस्कृत वर्ण परिचय हो। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा या विभाजित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाती है। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते या विभाजित नहीं कर सकते हैं वह वर्ण कहलाती है। आगे देखें, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। तो यह जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि में है। इसमें तीन प्रकार के वर्ण है, स्वर, व्यंजन, अयोग वाहक। कौन से है? स्वर, व्यंजन, अयोग वाहक। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वराहा, मतलब स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के ही होता है, अर्थात उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। मतलब क्या होता है? स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, हम स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण कर सकते हैं। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं स्वर कौन से दो भागों में विभाजित किया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, कौन से दो भाग है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब इस पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। स्वर वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो अभी यहाँ देखो बच्चों, आपको अगर मात्रा समझ में नहीं आती है, जैसे हम एक बार ताली बजाते हैं तो एक बार ताली बजाने में जितना समय लगता है उसे हम एक मात्रा कहते हैं। तो इतना समय जहां लगता है तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, लू, ये जो है संस्कृत में नया स्वर है। तो संस्कृत भाषा में इस स्वर का ह्रस्व स्वर में यह स्वर आता है। इसका उपयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही किया जाता है। आगे देखें, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा के बराबर का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अभी पहले ही देखा है, अभी देखो दो मात्रा,
जैसे मैंने पहले बताया है, एक मात्रा मतलब एक बार हम लोग जो ताली बजाते हैं, तो दो मात्रा मतलब दो बार ताली बजाने में जितना समय लगता है उतना समय हमें दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है। जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ और री। जैसे यहां देखो संस्कृत में ह्रस्व री और दीर्घ री का प्रयोग किया जाता है। अभी स्वरों के बाद हम देखेंगे व्यंजन, व्यंजनानि। अभी हमने स्वर के जो प्रकार देखे, क्या क्या देखा है अभी तक, स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, स्वरों को दो भागों में विभाजित किया है, कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। अभी आगे देखें कि व्यंजन, व्यंजनानि। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है और इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो क्या कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण, हमने पहले ही देखा है कि वर्णमाला में कई प्रकार के वर्ण है जिसमें स्वर और व्यंजन है और अयोग भाग भी है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो व्यंजन है तीन भागों में विभाजित किए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और उष्म व्यंजन भी 4 है। इस पर आधारित प्रश्न देखें, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 25, कितने होते हैं, 25। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आइए आगे देखें कि हम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। इसकी व्याख्या देखें, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, कोट, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख में स्पर्श कहाँ का होता है, कंठ और जिह्वा आदि से, आदि के स्पर्श द्वारा इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इनके 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा है। तो यहाँ देखो बच्चों, जैसे लिखा है मैंने यहाँ क वर्ग, तो क वर्ग में क वर्ण सबसे प्रथम है तो उसका नाम उस वर्ग को दिया गया है। और एक क्या बात बताना चाहूंगी बच्चों आपको, व्यंजन जो होते हैं, जैसे कि हमने बोला है कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसका कारण क्या है, आपको यहाँ व्यंजन लिखे दिख रहे सबको, तो यहाँ देखो यह जो क यहाँ लिखे इसके नीचे टेढ़ी रेखा दिख रही है आप लोगों को, इसे हम बोलते हैं हलंती। क्या बोलते हैं, हलंत्य बोलते हैं। और हलंत्य वर्ण जो होता है उसका उच्चारण आधा किया जाता है, मूल रूप से व्यंजन हलंत्य ही होते हैं लेकिन जब हम लोग उसका क ऐसे उच्चारण करते हैं तो उसमें हमने किसकी सहायता ली है, अस्वर की सहायता ली है, ठीक है। क्योंकि यह जो व्यंजन होते हैं आधे वर्णों का उच्चारण करना आसान नहीं होता है, आसानी से उनका उच्चारण नहीं कर पाते। चलो तो अब पहले इन व्यंजनों का उच्चारण करें, क क ग ग ग, च वर्ग, च छ, ज झ, य
ट वर्गम, ट ठ ड ध ण, ट वर्गम, त थ ड ध न, प वर्गम, प फ व भ म। ठीक है, अभी देखो हम आसानी से इसका उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन जब हम बोलते हैं कि क ख ग, यहां देखिए हम आसानी से व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं, लेकिन जब हम उसमें स्वरों की सहायता लेते हैं। तो यहां बताइए मुझे, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? पांच वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? पांच वर्ण होते हैं। अभी आगे देखें, स्पर्श व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा से रगड़ने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप बच्चों इसका उच्चारण करके देखिए, जैसे क्या बोला गया है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण करते समय हवा से रगड़ने के कारण मुख में ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मा, गर्मावट, ठीक है, जो गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से? देखो श, श, स, ह, ठीक है। आगे देखें, अयोग वाह, अयोग वाह। आगे देखिए, अयोग वाह, जो वर्ण स्वरों तथा व्यंजनों से भिन्न होते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनको केवल चिन्हों से ही प्रकट किया जाता है, जैसे अनुस्वार, अ के ऊपर देते हैं हम लोग, जैसे उदाहरण देखिए, हम आम आहा बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ उदाहरण देखिए संस्कृतम। आगे विसर्ग, जो हम वर्ण के आगे देते हैं, नमः, और इसका उच्चारण क्या करते हैं? विसर्ग का उच्चारण ह करते हैं, और अनुस्वार का उच्चारण क्या करते हैं? म करते हैं। अभी आगे देखिए, इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग, उचित मेलनम कुरुत, उचित मेलनम कुरुत। अभी देखो यहाँ अम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अम अहा, ये क्या है? अयोगवा है, जिन्हें केवल चिन्हों से ही प्रकट किया जाता है। प, प कौन से वर्ग में आता है? प वर्ग में। उसके बाद च, च ये जो वर्ण है कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। य, ये कहा आता है? अंतस्थ, कहा आता है? अंतस्थ। ग, क ख ग कौन से वर्ग में आता है? कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में। द, यह जो द वर्ण है कौन से वर्ग में आता है? त थ द मतलब त वर्ग में आता है। के बाद स, स क्या है? ऊष्म व्यंजन है, क्या है? ऊष्म व्यंजन। ड, ड वर्ण कौन से वर्ग में आता है? ट ठ ड मतलब कौन से वर्ग में आता है? ड वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है। अभी यहां विशेष देखिए बच्चों, जब हमने अभी तक देखा है कि वर्ण किसे कहा जाता है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अभी आगे ये विशेष जानकारी आपको देखनी है। जब व्यंजन स्वर में मिलते हैं तो व्यंजन के हल चिन्ह का लोप हो जाता है, लोप मतलब वह निकल जाता है और उसमें स्वर की मात्रा लग जाती है। तो आइए उदाहरण देखें, जैसे व्यंजन, अभी देखिए आप
के साथ अ स्वर जब हम मिलाते हैं तो यहाँ क पूरा लिखा गया है, तो स्वरयुक्त व्यंजन है। जब हम व्यंजन क ऐसे करते हैं, अंत में अ का उच्चारण आता है, तो वह स्वरयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अभी अ की तो कोई मात्रा नहीं है। आगे ख, ख के साथ आ जब स्वर मिलाते हैं, आ की मात्रा क्या है? एक खड़ी रेखा। तो स्वरयुक्त व्यंजन क्या बना है? यहाँ देखो स्वरयुक्त व्यंजन हा। अगला वर्ण है च, च के साथ ई स्वर मिलाया है। अभी देखो ई की मात्रा जो वर्ण से पहले लगती है, ची। आगे है छ, अभी छ के साथ ई, बड़ी ई है, तो बड़ी की मात्रा वर्ण के बाद लगती है, छी। उच्चारण भी वैसे ही किया जाता है। आगे है ट, ट के साथ ऊ स्वर मिलाया है, जो वर्ण के नीचे दिया है उनकी मात्रा दिख रही है आप लोगों को, टू। आगे ठ, ऊ, अभी यह भी ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे दी गई, उच्चारण करते समय हमें समझ में आता है कि ठू। आगे प के साथ री दिख रहा है आपको, री की मात्रा प्री। आगे देखिए न व्यंजन है, इसके बाद स्वर कौन सा मिला है? ए। ए की मात्रा क्या होती है? ऊपर एक टेढ़ी रेखा, ने। क्या होता है यह? ने। आगे श के साथ आई, आई की मात्रा क्या होती है? ऊपर दो टेढ़ी रेखाएं। उच्चारण करते समय आपको समझ में आता है व्यंजन के साथ जिस स्वर का उच्चारण करता है करते हम लोग आखिरी में उस जिस स्वर की मात्रा वहां लगाते हैं वैसे ही वहां उच्चारण आता है। जैसे अभी देखो श के साथ हमने क्या किया है, आई की मात्रा यहाँ लगाई है, तो क्या होगा उच्चारण? शई। आगे देखिए य के साथ ओ मिलाया है, ओ स्वर, ओ की मात्रा एक खड़ी रेखा और ऊपर एक टेढ़ी रेखा, यो। आगे थ, आगे क्या है? थ, तो इसके साथ औ, तो यह देखिए औ की मात्रा एक खड़ी रेखा और ऊपर दो टेढ़ी रेखा है। उच्चारण देखो हौ, मतलब व्यंजन के साथ जिस स्वर की आप मात्रा लगाते हो वैसे ही उच्चारण आगे होता है। आगे देखिए उदाहरणानुसारेण व्यंजनैः सह स्वरान् मेलयत। अभी क्या उदाहरण लिखे हम लोगों ने, ग के साथ जब हम ए स्वर को मिलाते हैं तो क्या बनता है वर्ण? के। आगे न के साथ उ स्वर मिलाया है तो नू। आगे क के साथ ई मिलाई है, ई स्वर को मिलाया है तो की। प के साथ री को मिलाया है, प्रू। आगे ल के साथ ऊ को मिलाया है, लू। च के साथ ओ को मिलाया है, चो। मतलब हमने यहाँ क्या देखा है, व्यंजनों के साथ हमने स्वरों को मिलाया है।